तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को होगी जेल। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा हुआ दायर, भाजपा को झटका, कभी भी जा सकते हैं मोदी जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने नीतीश को बेस्ट और सीनियर नेता बताया, बीजेपी मुक्त भारत के लिए विपक्ष को एकजुट करने की अपील। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सैटेलाइट तस्वीर में दिखी चीन की चालबाजी, पेंगोल झील के पास भारतीय जमीन पर बना रहा है जबरदस्ती पुल, मोदी सरकार चुप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 10 किए बड़े ऐलान, फ्री बिजली, युवाओं को रोजगार देने का भी किया वादा, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ताजमहल को तेजो महल बनाने की तैयारी में भाजपा, ताजमहल का नाम बदलकर भाजपा करने वाली है तेजो महल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बेंगलुरु में बीजेपी सरकार ने मीट पर लगाया बैन, तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी फैसले को बताया संविधान के खिलाफ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को होगी जेल। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दर्ज, भाजपा को झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी को झटका लगा है और अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को जेल हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार और पेंगासस स्पाइस वेयर सहित कई मुद्दों पर मुकदमा दायर किया गया। ये मुकदमा भारतीय मूल की एक डॉक्टर ने दर्ज कराया है, जिसमें तीनों के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं। मुकदमा दायर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन सभी नेताओं के साथ कई अन्य लोगों को समन जारी किया है, जो इस साल की शुरुआत में भारत में उन्हें तामिल किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि समन मिलने के बाद भाजपा सहित प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा अमरीका में पहली बार दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को बड़ा झटका अमरीका से आज लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने नीतीश को बताया बेस्ट और सीनियर नेता, बीजेपी मुक्त भारत के लिए विपक्ष को एकजुट करने का किया आह्वान। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बुधवार यानी 31 अगस्त को बिहार दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इससे पहले नीतीश के साथ केसीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिहार सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश देश के बेस्ट और सीनियर नेता है, वो बीजेपी मुक्त भारत के लिए सारे विपक्ष को एकजुट करेंगे। तेलंगाना सीएम केसीआर ने बुधवार को जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष के दौरान शहीद हुए बिहार के सैनिकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद के चेक भी सौंपे। इस कार्यक्रम के बाद तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने बोलते हुए कहा कि नीतीश बीजेपी मुक्त भारत के लिए सारे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए एक बार फिर से केसीआर और नीतीश कुमार एक हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। सैटेलाइट इमेज में चीन ने चोरी छुपे बना लिया पेंगोल झील के पास पुल, मोदी को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में चीन पेंगोल झील के आसपास अवैध निर्माण कर रहा है, जिसने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसकी चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि चीन एलएसी के पास नई सड़कें, पुल और टावर्स बना रहा है। इसमें से ज्यादातर निर्माण उस इलाके में हो रहे हैं जिस पर चीन ने करीब 60 साल पहले भारत की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। फोटोज में बनती सड़कें साफ दिख रही हैं, पुल का हिस्सा भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। नया निर्माण झील के दक्षिणी किनारे को रूटोग में उत्तरी किनारे से जोड़ने जा रहा है, जहां चीनी सेना तैनात रहती है। इस निर्माण में कुछ असामान्य चीज भी देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि चीन द्वारा बनाए जा रहे पुल के बीच में 15 मीटर का गैप भी दिख रहा है। ये गैप चल रहे निर्माण के बावजूद भरा नहीं गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भारत की जमीन पर जबरदस्ती चीन कब्जा किए हुए और यहाँ पर निर्माण कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार चीन पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश में फ्री बिजली, युवाओं को रोजगार देने के लिए राहुल गांधी ने किए 10 बड़े ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राजनीतिक दलों ने रैलियां कर चुनावी वायदे करने भी शुरू कर दिए हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के लोगों से 5 लुभावने वादे किए थे, तो अब कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़कर 10 वादों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के चुनावी वादों में रोजगार से लेकर फ्री बिजली देने का तक वादा है। पार्टी ने स्टार्टअप के लिए फंड देने से लेकर अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने तक का ऐलान किया है। कांग्रेस ने पहला वादा किया है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होगी। दूसरा वादा किया है कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। तीसरा, महंगाई कम करेंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। चौथा वादा क्या है कि युवाओं को 5 लाख रोजगार दिया जाएगा।
पांचवा वादा क्या है कि फलों की कीमत बागवानों को तय करने की सुविधा करेंगे। और छठा वादा क्या है, युवाओं को 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड मिलेगा। सातवां वादा क्या है कि मोबाइल क्लिनिक के जरिए हर गाँव में मुफ्त इलाज दिया जाएगा। आठवां वादा क्या है कि हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। नौवां वादा क्या है कि गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा। और दसवां वादा क्या है कि 2 रुपए किलो के हिसाब से की जाएगी गोबर की खरीद। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 10 वादे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर किए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ताजमहल को तेजो महल बनाने की तैयारी में भाजपा। जदो साहब को दादे की आगरा स्थित ताजमहल का नाम बदलने की कवायद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। आगरा के नगर निगम सदन में आज ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महल करने का मुद्दा गरमा सकता है। आज नगर निगम ने ताजमहल का नाम बदलने पर चर्चा की है। भाजपा के पार्षद शोभाराम राठौर ने आज चर्चा के लिए प्रस्ताव लाया है। उन्होंने साफ कहा है कि ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महल किया जाएगा, क्योंकि ताजमहल एक स्मारक नहीं है बल्कि ये एक मंदिर है और मंदिर को तोड़कर ताजमहल को बनाया गया है। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ताजमहल का नाम बीजेपी तेजो महल करना चाहती है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बेंगलुरु में बीजेपी सरकार ने मीट पर लगाया बैन, तो भड़की असुद्दीन ओवैसी, फैसले को बताया संविधान के खिलाफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु महानगर पालिका ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर 31 अगस्त को बेंगलुरु में मांस और मद पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध बीबीएमपी सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में लागू होगा। गणेश चतुर्थी के मद्देनजर नगर निकाय ने मीट पर बैन लगाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। बीबीएमपी के इस फैसले पर हैदराबाद के सांसद और एआईएमएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है ये फैसला संविधान के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि बेंगलुरु में जो कर्नाटक सरकार ने ऑर्डर पास किया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ है। बीजेपी सरकार कर्नाटक में संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला ले रही है। ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, यह फैसला सरकार नहीं करेगी, तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह फैसला ले रही है। ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक में 80% लोग गोश्त खाते हैं, सरकार अपने फैसले से गरीबों को सजा दे रही है, यह सरकार दौलतमंद की है, बीजेपी दुनिया को क्या संदेश देना चाहती है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों, असुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बीजेपी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार समेत कई गैंगस्टर के खिलाफ यूपीए के तहत मुकदमा किया दायर। जो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार समेत कई कुख्यात गैंगस्टरों के खिलाफ नकेल कस दिया है। दिल्ली में पहली बार सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी सहित कई गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए लागू किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि यूएपीए के तहत 2 मामले दर्ज किए गए हैं। आमतौर पर इस अधिनियम का उपयोग आतंकी मामलों या राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरे पैदा करने वाली घटनाओं में किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रतिबंधित संगठनों के संपर्क में रहने वाले और भारत में लक्षित हत्याओं को अंजाम देने की योजना बनाने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी अपनी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के समकक्षों के साथ समन्वय कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने नौसेना का ध्वज बदलने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि 2 सितंबर को भारतीय नौसेना 2 नया इतिहास रचने जा रही है। पहले तो उसे भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत मिलने जा रहा है और दूसरा उसे एक नया निशान यानी ध्वज मिलने जा रहा है, जो कि औपनिवेशिक काल की गुलामी की मानसिकता के प्रतीक से छुटकारा दिलाएगा। आगामी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना के नए निशान को जारी करेंगे। नया निशान कैसा होगा, इसका संकेत प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान से स्पष्ट होता है। बयान में कहा गया है कि नया निशान औपनिवेशिक अतीत से दूर समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार अब जो है नेवी के झंडे को ही बदलने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में बीजेपी मंत्री ने दी पूरे परिवार को आग लगाने की धमकी, मामला दर्ज। या दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के पर्यटन परिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री आनंद सिंह के खिलाफ एक परिवार को कथित तौर पर धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। आनंद सिंह के अलावा 3 अन्य लोगों का नाम FIR में शामिल है। घटना होस्टपेट की है। यहाँ के एक गाँव में जमीन के विवाद को लेकर दीप बोलम्मा नाम के एक शख्स ने राज्य की बीजेपी सरकार में मंत्री आनंद सिंह और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने SC ST एक्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। भैया आपको बता दें कि उन्होंने शिकायत करके आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायक ने पूरे घर को जान से मारने की धमकी दी है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो प्रगति समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी उनके साथ अपने जी ने तो कहा है गठबंधन करने,
रेडम करने को तैयार नहीं। अभी शिवपाल यादव पीछे कर लिए, एक सवाल जुटी उसमें कहा था कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, लेकिन